ये हम किस इलाके में आए हैं, कौन से इलाके में? गुड्डो शहर है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे जो इर्द गिर्द के जितने भी गांव है ना, उसमें जिन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया था सैलाब की सूरत थी, तो वहाँ के तमाम लोगों को आर्मी ने रेस्क्यू करके इस एयर की स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो है वो आर्मी ने इन लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू कर दिया था हेलीकॉप्टर के जरिए लाके और अपने ट्रक्स के जरिए लाके यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड किया था। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और आर्मी से परमिशन ली कि इस पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल हमें दिया जाए खाने के हवाले से और पानी के हवाले से और जो भी इनकी दवाई वगैरह का जो भी इंतजाम है तो टोटल इंतजाम नहीं करवा सकते। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की कि पहले दिन से हम उनका भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, दो टाइम का इनको खाना प्रोवाइड किया जाता है, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, पानी प्रोवाइड क्या कॉस्ट होती है उन लोगों के वजह की खाने की। सर यहाँ पर रोजाना की कॉस्टिंग तकरीबन हमारी 70 से 75 हज़ार रुपये की रोजाने की कॉस्टिंग चल रही है, जिसमें इनकी मेडिसिन वगैरह के काम शामिल थी दूसरा हमें जो ज्यादा जरूरत है ये जो छोटे बच्चों को सुनाने के लिए जो मॉस्किटो नेट आती है मॉस्किटो नेट, बच्चों में इस चीज़ का जो है वो बहुत ज्यादा तो उस हवाले से ये दो चीजों की भी हमें अच्छा जरूरत है। तो बाकी रोजाना के हमारे जो खाने के एक्सपेंसेस वगैरह बहुत रहती है, बाकी अभी तक कर रहे हैं कोशिश जितना ज़्यादा इन लोगों के लिए फैसिलिटेट किया जा सके, अगर सौ कबूल करो जितने हमारे साथ भाई काम कर रहे हैं उन सब के लिए कबूल करो सौ नेक्स्ट डेस्टिनेशन तब चलते हैं।